गवर्मेंट डेफिसिट्स एंड इन्फ्लेशन जी स्टूडेंट्स हमने लास्ट मॉड्यूल में देखा था कि बजट डेफिसिट का नेशनल डेट के साथ क्या रिलेशनशिप है तो आज हम एक और इशू पर बात करेंगे कि बजट डेफिसिट का इन्फ्लेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है सो so, डेफिसिट का इन्फ्लेशन के साथ जो रिलेशनशिप है वो एक तो ये है कि एक तो डेफिसिट जो है वो एग्रीगेट डिमांड हमने देखा था कि डेफिसिट के नतीजे में एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो जाएगा और सप्लाई में कि नस्बत एग्रीगेट डिमांड में ज़्यादा इजाफा होगा जिसके नतीजे में प्राइसेस में इजाफ़ा हो जाएगा और इन्फ्लेशन हो जाएगा लेकिन बजट डेफिसिट में जो की वजह से और एग्रीगेट डिमांड में इजाफे की वजह से जो प्राइस बढ़ेंगी ये यूजली जो है ये वन टाइम जम्प होता है ठीक है अगर सस्टेंड प्राइस में इजाफा हो रहा है दिस कैन नाट बी ड्यू टू दिस बजट डेफिसिट ऑनली ये किस वजह से होगा इसकी रीज़न जो है वो ये है कि अगर मनी सप्लाई में मसलसल इजाफ़ा हो रहा है तो दिस विल काज सस्टेंड इन ग्रोथ इन द इन्फ्लेशन सो ये कैसे होता है गवर्नमेंट अपने डेफिसिट्स को फाइनेंस करने के लिए उसके पास क्या ऑप्शंस होती हैं हम इस पर बात करते रहें कि गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग को फाइनेंस करने के लिए पहला तो ये है कि गवर्नमेंट टैक्सेस के ज़रिए से रेवेन्यू कलेक्ट करती है तो ज़ाहिर है उसके पास अगर उसकी गुंजाइश नहीं है तो दूसरा फिर ऑप्शन क्या है कि गवर्नमेंट बारो करती है पब्लिक से डोमेस्टिकली या और सोर्सेज से बारो करती है तो समाइम्स गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन भी नहीं होती तो फिर थर्ड ऑप्शन क्या होती है कि गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से बारो करती है वो इस तरह से कि गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है और सेंट्रल बैंक उन बॉन्ड्स को ख़रीदता है नई मनी प्रिंट करके ओके वो नई मनी प्रिंट करता है जिसके जिससे वो उन बॉन्ड्स को ख़रीदते हैं तो गवर्नमेंट डायरेक्टली यानी उस न्यू प्रिंटेड मनी को यूज़ नहीं करती वो बॉन्ड इशू करती है सेंट्रल बैंक उन बॉन्ड्स को ख़रीदता है न्यू प्रिंटेड मनी से और इसको फिर गवर्नमेंट यूज़ करती है अपनी स्पेंडिंग के लिए सो स्पेंडिंग

के ट्रेयरी जो है गवर्नमेंट जो है वो बारो करेगी बॉन्ड इशू करेगी और सेंट्रल बैंक जो है वो नई प्रिंटेड मनी से वो बॉन्ड्स परचेज कर लेगा और गवर्नमेंट को वो पैसे आ जाएंगे वाई तो इसके नतीजे में अब मनी सप्लाई में इजाफा हो रहा है तो उसके नतीजे में इन्फ्लेशन होगा तो वाई वुड गवर्नमेंट यूज मनी क्रिएशन टू तो फाइनेंस डेफिजिट दैट इट काज इन्फ्लेशन तो गवर्नमेंट ऐसा फिर करती क्यों है जब उससे पता है कि इस ज़रिए से जब वो अपने डेफिसिट को फाइनेंस करेंगी तो उसके नतीजे में इन्फ्लेशन में इजाफ़ा होगा तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट के पास जब और ऑप्शन नहीं रहती ठीक है तो इसलिए फिर गवर्नमेंट को ये ऑप्शन यूज़ करना पड़ती है तो यूजली डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो ये ऑप्शन यूज़ नहीं की जाती ठीक है तो वो अपने रेवेन्यू रेस कर सकते हैं और सोर्सेज के ज़रिए से लेकिन जो डिवेलपिंग इकोनॉमीज़ हैं या और वार इकोनॉमीज़ हैं दे आर अनएबल टू रेस सफिशेंट टैक्स रेवेन्यू टू गवर गवर्नमेंट स्पेंडिंग और उन्हें बारो करने में भी मुश्किल होती है तो इसलिए वो फिर इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं ओके okay. सो so, इस ऑप्शन के ज़रिए से जो रियल कलेक्शन होगी उसका इन्फ्लेशन के साथ क्या ताल्लुक है

इन्फ्लेशन में इजाफ़ा हो जाएगा सो so, उस इन्फ्लेशन की वजह से अब ये जो गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है तो इसलिए इसको फिर एक इन्फ्लेशन टैक्स कहा जाता है कि इसके नतीजे में इन्फ्लेशन रेट में इजाफा हो जाता है और गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितना मिलेगा ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई भी टैक्स है उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू कैसे मिलता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि उस वो टैक्स रेट क्या है और वो बेस क्या है जिस पर वो टैक्स इम्पोज़ किया जाता है तो इस इस सूरत हाल में बेस क्या है बेस आपकी मॉनेटरी बेस है मनी बैलेंसेस है वो बेस है और इन्फ्लेशन रेट जो है ये आपका टैक्स रेट है तो इन्फ्लेशन रेट मल्टीप्लाइड बाई द रियल मनी बैलेंसेज दिस विल बी द अमाउंट दैट गवर्नमेंट कैन गेट फ्राम दिस सोर्स सो सीनियर एज इज़ लाइक अ टैक्स ये गवर्नमेंट यानी टैक्स बाहर नहीं लगा रही लेकिन इनफैक्ट ये टैक्स ही लगा रही है कि इन्फ्लेशन में इजाफ़ा हो रहा है और इन्फ्लेशन में इजाफ़े होने से क्या सपोज इन्फ्लेशन में टेन परसेंट इजाफा हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि साल के आखिर में एक शख्स के पास अगर हंड्रेड रुपी थे तो अब उसकी रियल वर्थ जो है वो नाइन्टी रुपीस रहेगी है फिर इन्फ्लेशन में टेन परसेंट इजाफे से गवर्नमेंट ने वहाँ से टेन परसेंट रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया सो द गवर्नमेंट कुलेक्ट इट रेवेन्यू फ्राम द इन्फ्लेशन टैक्स वेन इट बाई गुड्स विद न्यूली प्रिंटेड मनी और इस टैक्स को कौन पे करता है हर वो शख्स जो मनी होल्ड करता है वो एक्चुअली इस टैक्स की ज़द में आ जाता है वो ये टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है तो इससे हम ये आज समझा कि गवर्नमेंट के जो बजट डेफिसिट्स हैं वो किस तरह से यूजुअली इन्फ्लेशनरी होता है ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्कों में वो इन्फ्लेशन को काज करता है वो इसलिए कि वो मनी सप्लाई में इजाफ़े को काज करता है और उसके नतीजे में फिर इन्फ्लेशन में इजाफ़ा हो जाता है ओके थैंक यू